नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। कानून व्यवस्था रखें, चुस्त दुरुस्त, काम में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त। आपको बता दें, प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण करने के दूसरे दिन प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर मंत्रालय पहुंचे और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर्स, संभागायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की और यात्रा को पूरी तरह से सारगर्भित और सफल बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से चर्चा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए किसी भी प्रकार से कोताही न बरतें। सीएम ने निर्देश दिए कि अपराधियों की धरपकड़ में हिलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर से राज्य और केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं की जानकारी लेने के साथ प्राथमिक वाली योजनाओं के संबंध में अलग से चर्चा की। बीजेपी नेता की हथेली काटने वालों के घर बुलडोजर चला। आपको बता दें, भोपाल में बीजेपी नेता की हथेली काटने वाले 5 आरोपियों के 3 घर गुरुवार को बुलडोजर चलाकर ढा दिए गए। आरोपियों ने 5 दिसंबर को तलवार मारकर जपा झुग्गी झोंपड़ी प्रकोष्ठ अरेरा मंडल के महामंत्री देवेंद्र सिंह ठाकुर की हथेली काट दी थी। हमले के 9वें दिन आरोपियों पर कार्रवाई हुई। एमपी में दिल्ली हाईकमान तय करेगा नेता प्रतिपक्ष। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को हुई। चुरहट विधायक अजय सिंह ने कहा, बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ है कि विधायक नेता प्रतिपक्ष का फैसला दिल्ली हाईकमान करेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने विधायकों से वन टू वन चर्चा की। बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि कमलनाथ का कार्यक्रम छिंदवाड़ा जिले में पहले से तय है। कमलनाथ बोले, भाजपा विवाद का बहाना ढूंढ रही। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर और खुले में मास्क की बिक्री पर रोक लगाने के फैसले पर कमलनाथ का बयान सामने आया है। पीसीसी चीफ ने गुरुवार को छिंदवाड़ा में कहा, भाजपा विवाद के लिए कुछ न कुछ बहाना ढूंढ रही है। कुछ भी करे, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति जोड़ने की ओर प्यार मोहब्बत की है। उन्होंने बुधवार को संसद में घुसे लोगों को लेकर कहा, सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है। लोग कूद कर अंदर चले गए, कोई भी घटना घट सकती थी। बुधवार को कमलनाथ ने कहा था, मैं रिटायर नहीं होने वाला, आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। आने वाले समय में हमारी असली अग्नि परीक्षा है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। मंदिर मस्जिद जाने से बेरोजगारी दूर नहीं होती। बैंकों की ग्रामीण स्तरों के परीक्षा केंद्रों में पहुंच नहीं, इसलिए अब थानों में ही रखे जाएंगे पेपर। आपको बता दें, प्रदेश में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होंगी। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही अब मासिम ने बैंकों में पेपर रखे जाने के विचार को बदल दिया है। अब मासिम के प्रश्न पत्र थानों में ही रखे जाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न पत्रों का वितरण समन्वय संस्थाओं से थानों व परीक्षा केंद्रों तक किए जाने की व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी। उल्लेखनीय है कि मासिम की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में इस साल करीब 19 लाख छात्र छात्राएं शामिल होने की संभावना है। शिवराज ने बदली सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल, लिखा भाई और मामा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनीतिक फिजा बदल गई है। प्रदेश का सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना बायो बदल दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटा दिया गया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स अपने नाम के साथ अब भाई और मामा लिख लिया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा भाई और मामा। बतौर सीएम युवाओं के बीच मामा और महिलाओं के बीच भाई के तौर पर शिवराज लोकप्रिय रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोकसभा चुनाव की तैयारी। आपको बता दें, केंद्र सरकार प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत लोकसभा चुनाव में दोहराने की तैयारी में है।
प्रदेश के सभी शहरों और गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्राएं निकाली जाएंगी। शहरी क्षेत्रों में 13 रथों के जरिए केंद्रीय योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। वहीं शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए शहरों में 13 रथ निकाले, वहीं ग्रामीण अंचलों में 350 रथ निकाले जाएंगे। इन पर LED के जरिए केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। CM ने दिए निर्देश, पैसों के इंतजाम का रास्ता निकालने के लिए अफसरों की समिति बनेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पहली बैठक में CM मोहन यादव ने साफ तौर पर योजनाओं व घोषणाओं को पूरा करने की चिंता जताई। उन्होंने अफसरों से कहा कि आम आदमी से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। यदि प्रशासनिक स्तर पर कोई कठिनाई है तो उसका रास्ता निकाला जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की आय बढ़ाने के लिए समिति कर विकल्प तलाशें, क्योंकि जनहितैषी योजनाओं के लिए बजट की कमी नहीं होनी चाहिए। नई सरकार में नए सिरे से आवास व गाड़ियों की तैयारी, CM हाउस छोड़ने की तैयारी में शिवराज, पूर्व मंत्रियों के आवास पर फैसला करेंगे यादव। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सरकार के बदलने के साथ ही अब पूर्व CM हो चुके शिवराज सिंह चौहान 74 बंगला क्षेत्र के अपने सरकारी आवास में शिफ्ट होने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि वह इस सप्ताह ही CM हाउस छोड़ देंगे। बताया जाता है कि उन्होंने 74 बंगले स्थित मुख्यमंत्री NXC पहुंचकर तमाम व्यवस्थाएं देखी हैं। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी महीने CM हाउस में रहने पहुंच सकते हैं। अभियान चलाकर बंद कराएं खुले बोरवेल। आपको बता दें, CM ने आज खुले बोरवेल के कारण हो रही अप्रिय घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि जिलों में अभियान चलाकर जो बोरवेल खुले हैं उन्हें चिन्हित करके बंद करवाएं। मंत्रियों पर मंथन शुरू, पहले दौर की चर्चा भोपाल में, दिल्ली से फाइनल होगी सूची। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिमंडल कैसा हो और उसमें कौन कौन हो, इसको लेकर आज से प्रदेश के संगठन के नेताओं के बीच मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री यादव आज ACS और PS स्तर के अधिकारियों की बैठक के बाद राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BD शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ मंथन करेंगे। इस चर्चा के बाद प्रदेश के बड़े और संघ परिवार से विचार विमर्श किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। BD शर्मा ने की कैबिनेट बैठक के फैसलों की सराहना, कहा संकल्प पत्र के वादे पूरे करने की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, BJP प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम भाजपा सरकार ने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट की बैठक में आदिवासी भाई बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति बोरा करने का निर्णय स्वागत योग्य है। फिर मौसम में आएगा बदलाव, छाएंगे बादल, तापमान में परिवर्तन, इन जिलों में कोहरा, धुंध, बढ़ेगी ठंड। आपको बता दें, उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के चलते मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड में इजाफा होने लगा है। सुबह के समय कई जिलों में कोहरा और धुंध भी दिखाई दे रही है। फिलहाल 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। युवाओं के लिए गोल्डन चांस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने निकाली 1,603 पदों पर भर्ती, 16 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन। आपको बता दें, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन युवाओं के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। ग्रेड तकनीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पद पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू होने वाली है। बगैर लाइसेंस और मिलावटी दूध बेचने वालों की अब खैर नहीं, हाईकोर्ट ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा संचालित राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2023 का आयोजन रविवार 17 दिसंबर को किया जा रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की गई है, जिसका समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2:15 से 4:15 तक किया गया है। CM के आदेश के बाद भोपाल में बनेगी टीम, तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजा सकेंगे, कार्रवाई करने मैदान में उतरेगा अमला। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद तेज आवाज में लाउड स्पीकर और DJ के इस्तेमाल के बाद भोपाल में भी टीमें बनेंगी। इसे लेकर गुरुवार को जिला प्रशासन के अफसर जुटे रहे, हालांकि कार्रवाई के लिए टीम मैदान में नहीं उतरी।
भजनलाल की शपथ में 16 केंद्रीय मंत्री, 17 सीएम, डिप्टी सीएम आएंगे। आपको बता दें, राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व प्रेमचंद बैरवा 15 दिसंबर को शपथ लेंगे। तीन ही नेता शपथ लेंगे। मंत्रियों की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद होगी। इधर अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग के बाहर होने वाले समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। समारोह के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित 16 केंद्रीय मंत्री और विभिन्न राज्यों के 17 सीएम व डिप्टी सीएम शामिल होंगे। साई बोले, भूपेश सरकार की अनुपयोगी योजनाएं बंद करेंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि उनकी सरकार पिछली भूपेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेगी और जो अनुपयोगी होंगी उन्हें बंद किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भाजपा की रमन सरकार की जिन योजनाओं को भूपेश सरकार ने बंद किया था उनको फिर से चालू किया जाएगा। साय ने बुधवार को ही दो उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ली है। छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीबों को मिलेंगे आवास। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला लिया गया है। वहीं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। साय कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। सुरक्षा चूक मामले में संसद में हंगामा। आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन गुरुवार की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने संसद सुरक्षा चूक के मामले में जमकर हंगामा किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। दिन में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद लोकसभा से विपक्षी पार्टियों के 14 और राज्यसभा से एक सांसद को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम लगभग पूरा होने की ओर है। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। राम मंदिर के बनने से अयोध्या का आर्थिक विकास जोर पकड़ रहा है। अयोध्या में जल्द ही भक्त हवाई जहाज से भी आ सकेंगे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। 30 दिसंबर को दिल्ली से पहली उड़ान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरेगी। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने बताया कि अभी अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान की शुरुआत होगी। विधानसभा में सुरक्षा घेरा सख्त। अब विधायक केवल एक बाहरी व्यक्ति को दिलवा सकेंगे दीर्घा में प्रवेश। लाउड स्पीकर और खुले में मांस बिक्री बैन पर गरमाई राजनीति। विधायक आरिफ मसूद के बयान पर बीडी शर्मा बोले, गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगाएंगे।